हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दो चीज़ों के बारे में। तो नंबर वन जो होगा वो ये होगा कि हमारे भारत के नोटों पर इस तरह के ब्लैक कलर की लाइनें आखिर क्यों होती है, और नंबर टू किसी भी फिल्म की शुरुआत में दिए गए सर्टिफिकेट में इनका मतलब क्या होता है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो पहले बात करते हैं कि भारत के नोटों पर इस तरह से ब्लैक कलर की लाइनें क्यों होती हैं। तो नोटों पर इस तरह की लाइनें जो होती है वो अंधे लोगों के लिए होती है, क्योंकि ये लाइनें जो होती हैं ये नोट से थोड़ी उभरी हुई होती है, जिससे कि अंधे लोग जो हैं वो इस लाइन को गिनकर ये पता लगा सके कि नोट जो है वो कितने रुपयों की है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि 2000 के नोटों पर 7 लाइनें होती है, और 500 के नोटों पर 5 लाइनें होती है, और 200 के नोटों पर 4 लाइनें होती है। इसी तरह हर नोटों पर अलग अलग तरह से लाइनें दी जाती हैं, जिससे कि अंधे लोग जो होते हैं वो इस लाइनों को छूकर या फिर गिनकर नोटों का पता लगा सके कि नोट जो है वो कितने रुपयों का है। तो अब बात करते हैं कि फिल्म की शुरुआत में दिए गए सर्टिफिकेट में इनका मतलब क्या होता है। तो अगर फिल्म की शुरुआत में आ है तो इसका मतलब है कि इस फिल्म को कोई भी देख सकता है, और अगर सर्टिफिकेट में अ व लिखा है तो इसका मतलब है कि इस फिल्म को 12 साल से कम उम्र वाले बच्चे जो हैं वो अपने माता पिता के निर्देशन में देख सकते हैं। और अगर फिल्म को व सर्टिफिकेट मिलता है तो इसका मतलब है कि 18 साल से कम उम्र वाले लोगों के लिए यह फिल्म जो है यह अनुकूल नहीं है। और अगर फिल्म को एस सर्टिफिकेट मिला है तो इसका मतलब यह है कि यह फिल्म जो है यह स्पेशल ऑडियंस के लिए है, जैसे कि डॉक्टर्स, साइंटिस्ट के लिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं आप सभी को इससे भी अच्छे वीडियो पर। तब तक के लिए बाय।